इनोवेशन इन ईएनटी, एडवांसमेंट इन ईएनटी। यस दोस्तों, बात करते हैं आज वीडियो में। माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, दुनिया में एडवांसमेंट है, दुनिया में नए नए इनोवेशन होते हैं, मेडिकल फील्ड में है, स्पेस में है, हर फील्ड में एडवांसमेंट है। ऐसे ही क्या वो एडवांसमेंट है ईएनटी में जो आपको पता नहीं, बात करते हैं एंड कैसे हम उनका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमें वो पता होना चाहिए। इनोवेशन मतलब कि कोई ना कोई आविष्कार जो हमें पता होना चाहिए, हो सकता है उससे रिलेटेड नीड हमारी हो। दोस्तों, जैसा आपको पता है, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट, एक ईएनटी सर्जन ईयर नोज और थ्रोट तीन चीजों को डील करता है, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको डील करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले ईयर। जैसे भगवान ने दोस्तों हमारा बनाया है ईयर सुनाई देने के लिए, दूसरा काम है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना। तो जब दोस्तों इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कई बार डायग्नोसिस नहीं होती है, तो जो ये इनोवेशन है, जो ये आविष्कार है, जो बिल्कुल नए हैं, वो हो सकता है हमारी जो लाइलाज जो बीमारी है, जो ऐसी बीमारी जो हमारी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही, जिसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, उससे हो सकता है। दोस्तों, ईयर के अंदर जो इनोवेशन, जो मोस्ट जो एडवांसमेंट हुआ है, वो डिक्रीज हियरिंग की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके है, जिसमें दो जो चीजें हैं वो मोटे रूप से जो है आविष्कार हैं। नंबर वन, जो कान की जो सर्जरी होती है दोस्तों, उसमें बहुत सारे इनोवेशन हैं दूरबीन के आविष्कार के कारण। पहले कान के पर्दे के लगाने के लिए पीछे चीरा लगता था, आजकल क्या है, दूरबीन के आविष्कार के कारण कान के पर्दे के पीछे चीरा लगाने की जरूरत नहीं है। दूरबीन से कान का ऑपरेशन संभव है, जिससे कान के आपको चीरा नहीं लगे और आपको जो है चीरे का निशान नहीं हो, आपको आर्मी एयरफोर्स कहीं पे भी जाना हो तो प्रॉब्लम नहीं है। नंबर वन। नंबर दो, दोस्तों जो सुनाई का जो प्रॉब्लम है उसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, उसमें एक कोक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एंड अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोक्लियर इम्प्लांट एक डेविस होती है, डिवाइस होती है, जिसमें आपको अगर आपको बहरापन है तो उस कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से आप सुन सकते हैं। अब बात यह है कि कोक्लियर इम्प्लांट दोस्तों हम कब लगाएं। दोस्तों ये आपको, वैसे तो कोक्लियर इम्प्लांट पे हमारा एक सेपरेट वीडियो भी होगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि कोक्लियर इम्प्लांट जो है वो 3 महीना, बच्चा जब जन्मता है उसमें 3 महीने से लेके एंड आप 80 साल तक कोक्लियर इम्प्लांट लगा सकते हैं, बट वो आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए और कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से जो है बच्चा सुन सकता है। बहुत बार जाने अनजाने में, जैसे आप सुन रहे थे या किसी कारण से आपकी सुनाई खत्म हो गई, आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, तो भी कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से दोस्तों आपकी सुनाई वापस आ सकती है। एंड इसके अलावा दोस्तों, हियरिंग एड्स, अगर कोक्लियर इम्प्लांट कोई नहीं लगा, आजकल ऐसे ऐसे हियरिंग एड्स का इनोवेशन हुआ है दोस्तों, जो आपको विजिबल नहीं है, जो बाहर दिखते नहीं है। हम हियरिंग एड इसलिए नहीं लगाते कि हमें एक सोशल स्टिग्मा है कि बाहर दिखेगा, हर आदमी मेरे को समझेंगे बहरा है, बट दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिग पॉलिटिशियन, दे यूज द हियरिंग एड इनसाइड ऑफ द कैनाल, उनको किसी को पता भी नहीं होता। ये क्या है, ये इनोवेशन है दोस्तों। सो हियरिंग एड है, कोक्लियर इम्प्लांट है, माइक्रोस्कोप है, डिफरेंट टाइप के टॉर पॉप, ये जो चीजें हैं वो ईयर सर्जरी से रिलेटेड चीजें हैं, जो एक बहुत क्रांतिकारी इनोवेशन है दोस्तों। अब अगर हम नोज में आते हैं, तो नोज में दोस्तों क्या है कि जो इनोवेशन है नोज के अंदर क्या है कि जो एक एंडोस्कोप जो सिस्टम है, जो दूरबीन है, कैमरा है, जो मॉनिटर है, इनके एडवांसमेंट के कारण जो साइनस सर्जरी है वो इतनी इजी है कि हम नाक के अंदर का जो पार्ट है वो पूरा दिमाग तक जो है वो मॉनिटर पे देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड नाक के थ्रू दोस्तों जो हमारा दिमाग के अंदर यहाँ पिट्यूटरी की गांठ है उसको भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, इनोवेशन जो है वो एंडोस्कोप का इनोवेशन है दोस्तों। टेढ़े मेढ़े विकृत नाक की जो सर्जरी राइनोप्लास्टी होती है, उसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी एक ऐसी राइनोप्लास्टी है जिसमें पेशेंट को सूजन नहीं आती, बाद में एक रीसेट मेथड है जिसकी सहायता से जो है वो
हम वो भी राइनोप्लास्टी भी कर सकते हैं। सो ये है नोज से रिलेटेड इनोवेशन। दोस्तों थ्रोट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो कैंसर का इलाज होता है और जैसे हमें हमारा जो बोलने की जो मशीन होती है स्वर यंत्र का कैंसर होता है दोस्तों, उस कैंसर को अगर निकाल दिया जाता है तो जिंदगी भर पेशेंट बोल नहीं पाता। तो जब पेशेंट दोस्तों बोल नहीं पाता तो उसके लिए भी विज्ञान का ऐसा इलेक्ट्रोलेरिंग्स होता है जिसके माध्यम से आप ऐसा लगा कि आप बोल सकते हो दोस्तों, हाँ आप बोल सकते हो। तो जो लोग जिंदगी में सोचो कभी बोल नहीं सकते वो भी एक एडवांसमेंट है, तो इलेक्ट्रोलेरिंग्स के माध्यम से वो बोल सकते हैं। दोस्तों स्नोरिंग का मैनेजमेंट है उसके लिए भी जो है वो ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि आप जो है वो स्नोरिंग का आपका मैनेजमेंट हो सकता है। सो दोस्तों आपने देखा कि ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड क्या क्या वो इनोवेशन है। सो अगर आपको आपके कोई कलीग या कोई ऐसा जो रिलेटिव्स हैं जिनमें इस चीज की जरूरत है जो आपको पता नहीं, दोस्तों यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिससे आगे से आगे उनको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।